Here we go. हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवा आउटफिट। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं डिज़ाइनर कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। कुर्ती बनाने के लिए मैंने 3 मीटर कपड़ा ले लिया है। कपड़े को मैंने इस तरह 4 पार्ट में फोल्ड करके रख लिया है। अब हम चोली का निशान लगाएंगे। अब हम इस साइड शोल्डर के लिए 7 इंच निशान लगा लेंगे। आर्महोल की लेंथ मैंने 7 इंच ले ली है। अब हम इस तरह सीधा मार्क करेंगे। बस्ट के लिए मैंने 10 इंच निशान लगा लिया है। अब हम इस निशान को इस तरह मिला देंगे। अब हम यहाँ पर इस तरह 4 इंच निशान लगाएंगे। चोली की लेंथ मैंने 15 इंच ली है। अब हम इस तरह निशान लगा लेंगे। और यहाँ से इस तरह गोलाई का शेप देंगे। अब हम इस तरह आर्म होल का शेप देंगे। अब हम इसको कट कर लेंगे। अब हम घेरे का निशान लगा लेंगे। कपड़े को हम इस तरह फोल्ड करके रख लेंगे। और हम इसको इस तरह एक बार और फोल्ड कर लेंगे। अब हम इस साइड 9 इंच निशान लगा लेंगे। इस साइड हम 22.5 इंच निशान लगा लेंगे। घेरे के नीचे की साइड हम इस तरह हल्का गोलाई का शेप देंगे। अब हम इसको इस तरह कट कर लेंगे। अब हम आस्तीन का निशान लगाएंगे। कपड़े को मैंने इस तरह फोल्ड करके रख लिया है। ऊपर की साइड हम 9 इंच निशान लगाएंगे। नीचे की साइड हम 6 इंच निशान लगा लेंगे। अब हम इस तरह निशान लगाएंगे। आस्तीन में ऊपर की साइड हम इस तरह निशान लगाएंगे और इसको कट कर लेंगे। अब हम गले का निशान लगाएंगे। ऊपर की साइड हम 2.5 इंच निशान लगा लेंगे। गले की लेंथ मैंने 6 इंच ली है। अब हम इस तरह सीधा मार्क करेंगे।
इस साइड हम इस तरह निशान लगा लेंगे। अब हम गले में इस तरह शेप देंगे। और इसको कट कर लेंगे। गला मैंने तैयार कर लिया है। ये मैंने लेस ले ली है। अब हम इस तरह निशान लगा लेंगे। और लेस को इस तरह रखेंगे और सिलाई चलाएंगे। चोली के बैक साइड भी गला मैंने तैयार कर लिया है। अब हम इसको इस तरह रखेंगे। और कंधी जॉइंट कर लेंगे। अब हम आस्तीन में आगे की साइड आधा इंच कपड़े को इस तरह फोल्ड करके लेस लगा लेंगे। अब हम यहाँ पर इस तरह लचकी लगा लेंगे। अब हम चोली में आस्तीन ज्वाइंट कर लेंगे। दूसरी साइड भी मैंने उसी तरह आस्तीन ज्वाइंट कर ली है। अब हम फिटिंग की सिलाई चला लेंगे। डोरी मैंने पहले से तैयार कर ली है। अब हम डोरी को इस तरह फोल्ड करके लेस के इस साइड रखेंगे और सिलाई चलाएंगे। घेरे का साइड मैंने सिल लिया है। अब हम घेरे को इस तरह चोली में ज्वाइन कर लेंगे। घेरे के नीचे की साइड हम इस तरह फोल्ड करके लेस लगा लेंगे। अब हम नीचे की साइड लचकी की चार लेयर लगा लेंगे। डोरी में मैंने फुलना लगा दिया है। फुलना बनाने की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं।